नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप जाखड़, श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने जो अलंकार विषय है उसका अध्ययन किया था। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा शब्द शक्ति। तो देखिए, जिस प्रकार जो अलंकार है वो आपका जो बिंदु था वो दो नंबर का था, ठीक है। दो नंबर के उसमें से जो प्रश्न है वो पूछे गए थे, और जो आपकी शब्द शक्ति है वह भी कितने नंबर की है, आपकी दो नंबर की है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको जो शब्द शक्ति है उसका अध्ययन करना है। तो देखिए, विस्तार से जो शब्द शक्ति है उसका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, शब्द शक्तियाँ, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। ध्यान से देखिए, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। यानी कि शब्द में कितनी शक्ति है, यानी कि शब्द है वो क्या कुछ कहना चाहता है। शब्द छोटा सा है लेकिन उसकी जो शक्ति है, अर्थात तो उसका जो मीनिंग है बहुत क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो उसका जो अर्थ बोध कराती है वो कौन कराती है, आपकी शब्द शक्ति कराती है, ठीक है। एक आचार्य हुए हैं, आचार्य चिंतामणि ने कहा है कि जो सुन पड़े सो शब्द है, जो सुन पड़े सो शब्द है, समुझी पड़े सो अर्थ, अर्थात जो सुनाई पड़े वो शब्द और तथा उसे सुनकर जो अर्थ समझ में आए वो है उसका अर्थ, ठीक है। तो आपके बात समझ में आई है। आगे देखिए, शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं। जो आपकी शब्द शक्ति है उसके प्रकार कितने होते हैं, तीन होते हैं। पहली है आपकी वाचक, दूसरी है लक्षक, और तीसरी है व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक, यह हैं आपके जो शब्द शक्ति है उसके क्या है, तीन प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अर्थ, देखिए इनका वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और मुख्य, जो आपका व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, यह क्या है, इनका अर्थ है, ठीक है। और अब देखिए शक्ति व्यापार, शक्ति व्यापार में देखिए इनका जो अर्थ है वो देखो, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। किस प्रकार जो हमारी शब्द शक्ति है वो अलग अलग जो भाग हैं उनमें क्या है, बटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण शब्द शक्ति का प्रयोग जो विश्वनाथ, महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है शब्द शक्ति का प्रयोग है वो किया है, किसने किया है, विश्वनाथ ने किया है। तो देखिए यहाँ पर व्यापार शब्द का प्रयोग ममट ने किया है, ठीक है। इनका जो विश्लेषण है वो किसने किया है, आपके विश्वनाथ ने किया है, और जो व्यापार शब्द का प्रयोग है वो जो ममट एक बहुत बड़े आचार्य हैं उन्होंने किया है, ठीक है। तो देखिए शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषा। तो देखो, अक्सर परीक्षा है उसमें पूछा जाता है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यानपूर्वक समझना है शब्द शक्ति की जो परिभाषा है उसको, ठीक है। तो देखिए, शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, ठीक है। शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का अर्थ प्रकट करना, तथा उसका बोध कराता होता है। इस प्रकार शब्द एवं अर्थ का अभिन्न संबंध है, ठीक है। किस प्रकार जो शब्द और जो अर्थ है उन दोनों का बहुत ही अभिन्न अर्थात गहरा क्या है, संबंध है, वह जुड़ा हुआ है, ठीक है। शब्द एवं अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है, शब्द एवं अर्थ का संबंध ही क्या है, शब्द शक्ति है। तो आपको जो शब्द शक्ति है उसका जो अर्थ है वो पता चल गया कि शब्द एवं अर्थ का संबंध ही क्या है, शब्द शक्ति है, ठीक है। शब्दार्थ संबंध, जो संबंध शक्ति अर्थात बोधक, शब्द एवं अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। शब्द एवं अर्थ के संबंध को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार भी की जा सकती है, शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं, अर्थात जिसे हमें शब्द का अर्थ पता चले वही क्या है, आपकी शब्द शक्ति है, ठीक है। तो बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो आपके सामने रखी गई है। आपको जो शब्द शक्ति है उसकी परिभाषा और उसके जो अलग अलग जो प्रकार है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम शब्द शक्ति के भेद। तो देखिए विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं।
शब्द के विभिन्न प्रकार के अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति के प्रकारों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो अलग अलग प्रकार हैं उनके आधार पर जो शब्द शक्ति है उनके अलग अलग जो प्रकार हैं उनको क्या किया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। शब्द के जितने प्रकार के अर्थ होते हैं, भाषा के जितने प्रकार के अभिप्राय होते हैं, उतने ही प्रकार की शब्द शक्ति होती है, ठीक है। अलग अलग जो शब्द होते हैं, अलग अलग जो भाषाएं होती है, उन्हीं के अनुसार जो शब्द है वो होते हैं, ठीक है। शब्द के तीन प्रकार के अर्थ स्वीकार किए गए हैं। देखिए जो हमारे आचार्य हुए हैं हिंदी के, उन्होंने जो शब्द हैं उनके कितने प्रकार के जो अर्थ हैं वो स्वीकार किए गए हैं, तीन प्रकार के जो अर्थ हैं उन्होंने स्वीकार किए हैं, ठीक है। वो देखिए कौन सा है आपका, वाच्यार्थ या अविद्यार्थ, ठीक है, वाच्यार्थ या अविद्यार्थ है आपका। फिर है आपका इसमें जो लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, यहाँ पर हमने देखा था किस प्रकार वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है और व्यंग्यार्थ है, यह है आपकी जो शब्द शक्ति है उसके क्या है जो प्रकार हैं वो हैं, ठीक है, अर्थ हैं। फिर देखो इसमें इस अर्थों के आधार पर या इन अर्थों के आधार पर तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। देखिए इन अर्थों के आधार पर वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के आधार पर जो आपकी शब्द शक्ति है उसके कितने जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई है, तीन प्रकार की मानी गई है, वो है आपकी अविधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। तो विद्यार्थियों अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द शक्ति है वो कितने प्रकार की होती है तो आपको कितने बताने हैं, आपको तीन बताने हैं, और वो तीन कौन कौन से, आपके अविधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं उनका नाम बताइए, ठीक है। तो देखो आगे, कुमारिल भट्ट ने तात्प्रिया नामक चौथी शब्द जो शक्ति को स्वीकार भी किया है, अर्थात तात्प्रिया नामक चौथी शब्द शक्ति को क्या किया है, जो एक आचार्य हुए हैं कुमारिल भट्ट ने, उन्होंने क्या किया है, इसको स्वीकार किया है, ठीक है। जिसका संबंध वाक्य से होता है, जिसका संबंध किससे होता है, शब्द से न होकर के वाक्य से होता है, ठीक है। तो अब हम अपनी जो पहली शब्द शक्ति है अविधा शब्द शक्ति उसको देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी अविधा शब्द शक्ति, ठीक है, क्योंकि तीन ही तो हैं, तो तीनों में से ही किस प्रकार जो आपके दो नंबर के हैं प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बड़े ही आपको इत्मीनान से एकाग्रचित होकर के जो शब्द शक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहली आपकी अविधा शब्द शक्ति, तो देखिए इसमें परिभाषा देखो इसकी, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है, साक्षात सांकेतिक अर्थ, अर्थात साक्षात यानी कि सीधा सीधा अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है, सीधा सीधा उसका जो मुख्य अर्थ है, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है वो है आपकी कौन सी है, अविदा शब्द शक्ति है, अर्थात जिसे हमें किसी भी शब्द का मुख्य अर्थ या वो क्या कुछ कहना चाहता है वो सीधा सा हमें पता चल जाए, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, वहाँ पर आपकी जो अविदा शब्द शक्ति है वो होती है, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर शब्द का सीधा सीधा अर्थ हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, वहाँ पर आपकी जो अविधा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है किस प्रकार जो एक आचार्य हुए हैं हिंदी के, उन्होंने बतलाया है, कौन से आचार्य है, पंडित राम दहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अविदा कहा है, अर्थात साक्षात सांकेतिक जिससे अर्थ प्राप्त हो जाए हमें, उसे उन्होंने माना है, क्या माना है, अविदा माना है, ठीक है। अविदा को प्रथमा या अग्रिमा जो शक्ति भी कहते हैं, अर्थात जो देखिए कि क्या बात निकल के आई है कि जो अविदा शब्द शक्ति है उसको प्रथमा शब्द शक्ति या अग्रिमा, अग्रिमा का अर्थ भी क्या होता है, प्रथमी होता है, ठीक है, वो कहा है, किसने कहा है, पंडित रामदही मिश्र ने। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो अविदा शब्द शक्ति है उसको प्रथमा या अग्रिमा जो शब्द शक्ति है वो किसने कहा है, तो किसने कहा है, पंडित रामदही मिश्र ने कहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों आपको। फिर देखिए आगे, रामचंद्र शुक्ल ने वाच्यार्थ से ही रस की उत्पत्ति माननी है, अर्थात जो वाच्यार्थ है उससे ही जो रस है उसकी उत्पत्ति माननी है, किसने मानी है, जो हिंदी के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं वो कौन से हैं, आपके रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। फिर देखिए आगे, शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक, पाठक यानी पढ़ने वाला,
अथवा श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाले की शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ अर्थात लोक प्रसिद्ध यानी कि लोक जो है यानी कि सामान्य जो प्रवेश है उसमें जो शब्द है वो चलते हैं ठीक है उसका अर्थ वगैरह। तो देखिए इसमें लोक प्रसिद्ध अर्थ तक्षण ज्ञात हो जाता है, वह अर्थ शब्द की जिस सीमा द्वारा मालूम होता है उसे अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि लोक प्रचलन में जो अर्थ होते हैं किसी शब्द के तो वह सीधे सीधे हमें प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर कौन सी होती है आपकी अविदा शब्द शक्ति होती है ठीक है। फिर देखिए अविदा शब्द शक्ति से जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वे तीन प्रकार के हैं, अर्थात आपकी जो अविदा शब्द शक्ति है जिससे हमें शब्दों का अर्थ प्राप्त होता है वे शब्द कितने प्रकार के हैं, वे शब्द है आपके तीन प्रकार के हैं ठीक है। तो देखिए पहला आपने पहले भी पढ़ा होगा रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योगरूढ़ शब्द है ठीक है। यह जो शब्द है इनका अध्ययन आपने पहले भी किया है ठीक है। तो देखिए वापस किस प्रकार का इनका जो दोहरान है वो हुआ है आपकी शब्द शक्ति में, तो देखिए तीनों को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए रूढ़ शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति नहीं होती ठीक है, जिनकी उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि आपको पता है कोई सी भी भाषा मान लीजिए उनके जो शब्द वगैरह हैं उनका जो कहीं ना कहीं से उनकी क्या होती है उत्पत्ति वगैरह होती है, लेकिन जो रूढ़ शब्द हैं उनकी कहीं से उत्पत्ति नहीं होती ठीक है। जैसे घोड़ा है, घर है ठीक है। फिर देखिए यौगिक शब्द, नाम से ही पता चल रहा है यौगिक यानी दो जो शब्द हैं वो किस प्रकार जुड़ करके क्या करते हैं एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यौगिक यानी जोड़। तो देखिए जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय, देखो जिनकी उत्पत्ति किससे होती है आपके प्रत्यय हैं समास है आदि से होती है ठीक है। जैसे विद्यालय है, विद्याधनाली किस प्रकार जुड़ा हुआ है रमेश है रमादन, इस किस प्रकार दो शब्दों के योग से मिलकर के एक नए शब्द का क्या हुआ है निर्माण है उत्पत्ति है वो हुई है ठीक है। फिर देखिए योग रूढ़ शब्द, यौगिक क्रिया से बने लेकिन निश्चित अर्थ में रूढ़ हो गए हों ठीक है, यौगिक क्रिया से तो बने हैं लेकिन निश्चित अर्थ में क्या हो गए हैं आपके रूढ़ हो गए हैं। जैसे जलज ठीक है, दशानन है आपका, फिर देखिए अविदा उत्तम काव्य, हाँ तो ये देखो जलज है और दशानन है ठीक है। तो किस प्रकार यहाँ पर जो आपके योग रूढ़ शब्द हैं वो बने तो यौगिक क्रियाओं के द्वारा हैं लेकिन निश्चित अर्थ में वो क्या हो गए हैं आपके रूढ़ हो गए हैं ठीक है। फिर देखिए आगे अविदा उत्तम काव्य है, जो आपका अविदा है वो क्या है उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, तो यहाँ पर देखो यह बात जो बोली है वो किसने बोली है, यह जो एक कवि हुए हैं कवि देव उन्होंने यह बात बोली है ठीक है। जगन्नाथ जो आचार्य हुए हैं उन्होंने कौन सी बात बोली है, शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अविदा कहते हैं, अर्थात शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं अविदा कहते हैं। यह जो परिभाषा है वो बहुत बार क्या हो गई है इसका दोहरान है वो हो गया है ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरह इसका ध्यान रखना है कि जो अविदा शब्द शक्ति है उसमें शब्द एवं जो अर्थ है उनका परस्पर क्या होता है जुड़ाव होता है ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका जो वहाँ पर आपकी अविदा शब्द शक्ति है वो होती है ठीक है। आगे देखिए भिखारीदास एक आचार्य हुए हैं उन्होंने क्या बात बोली है, अनेकार्थ हूँ शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति ते ही वाच्यार्थ को कहे सजन अभी अविदा शक्ति। तो यहाँ पर देखिए विशेष में क्या बात बोली गई है, वह किसी पद में यमक अलंकार की प्राप्ति होती है, अर्थात वह किसी पद में क्या होती है आपके यमक अलंकार की प्राप्ति होती है। आप सबको पता है जब हम यमक अलंकार पढ़ रहे थे किस प्रकार एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही थी लेकिन फिर भी उनके अर्थ क्या हो रहे थे हर बार अलग अलग हो रहे थे। तो देखो यहाँ पे तो वहाँ प्राय अविदा शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण आ गया आपका वापस, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय वा खाय बोराय जग वा पाय बोराय ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो बात है उसको बताई गई है। फिर एक और उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग उड़ियो सारंग पुगियो आय जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। तो यहाँ पर देखो कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार के पदों में भी उनका मुख्य अर्थ ही प्रकट होता है ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार से जो आचार्य हुए हैं उन्होंने अपनी जो बात है उसको क्या किया है सिद्ध
किया है। अतः इस अलंकार के पदों में भी प्राय अभिधा सप्तशक्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका सीधा सीधा अर्थ है वो हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यानी शब्द और जो अर्थ है उन दोनों में गहरा क्या होता है, संबंध है वह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आपकी सप्तशक्ति होती है, यहाँ पर आपकी जो अभिधा सप्तशक्ति है वो होती है। ठीक है, तो देखिए सीधी सीधी बात ने बोल करके अगर आपसे कोई काव्य का उदाहरण वगैरह देकर के पूछा जाता है कि इसमें कौन सी सप्तशक्ति है, तो आपको विशेष क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए आगे, जैसे देखो इसमें सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मानहु नीलमणि सेल पर आत्प्रयो प्रभात। अर्थार्थ यह है, उदाहरण आपका किससे दिया गया है, मानुहु मनुहु जानुहु जनु, अर्थार्थ यहाँ पर उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार के भी आपको ध्यान रखने हैं कि इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके पीत पट श्याम अर्थार्थ जो वस्त्र है उनको देख करके किस प्रकार के कवि है वो क्या करता है, कल्पना करता है। तो इस प्रकार से आपसे जो प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभिधा सप्तशक्ति है वो आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए विद्यार्थियों एक और उदाहरण आपके सामने है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हेम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार जो नयन है उनको पंकज अर्थात कमल की उपमा वगैरह दी गई है। एक और उदाहरण आपका, भजन कहो ताते बझो, बझो ने कहे एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गवार। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार जो अभिधा सप्तशक्ति है वो इनमें प्रकट होती है। तो देखो आचार्य भट्ट नायक अभिधा सप्तशक्ति को विशेष महत्व देते हैं। ठीक है, जो एक आचार्य हुए हैं भट्ट नायक, वो जो अभिधा सप्तशक्ति है उसको क्या देते हैं, विशेष महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि से रस की अनुभूति कराने में अभिधा सप्तशक्ति ही प्रदान होती है। अर्थात काव्य को अगर हम पढ़ते हैं तो पता है आपको कि काव्य को पढ़ते हैं तो सुनते हैं तो या देखते हैं या कुछ भी मान लीजिए, यानी कि रस की प्राप्ति हो तभी तो हम काव्य को पढ़ते हैं। तो जो अभिधा सप्तशक्ति है वो जो काव्य है उसका आनंद प्रदान करने में बहुत सहायक होती है। ठीक है, फिर देखिए अभिधा के द्वारा ही पहले अर्थबोध होता है। जो अभिधा है उसके द्वारा ही पहले क्या होता है, आपका अर्थबोध होता है। ठीक है, और उसके बाद भाकत्व, ठीक है, भावकत्व के द्वारा साधारणीकरण और भोजकत्व के द्वारा रसास्वादन होता है। अर्थात इन दोनों के द्वारा क्या होता है, रसास्वादन अर्थात रस की जो प्राप्ति है वो होती है। ठीक है, फिर देखिए अगली आपकी, तो विद्यार्थियों जो हमने अभिधा सप्तशक्ति है उसका अच्छी तरह से क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया है। अगली है अपनी लक्षणा शब्द शक्ति। तो देखिए लक्षणा शब्द शक्ति में इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ मुख्य अर्थ में बांधा उपस्थित होने पर रूढ़ी अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है। यानी कि जहाँ पर सीधा सीधा अर्थ हमें प्राप्त न हो, देखिए जहाँ पर सीधा सीधा शब्द का अर्थ हमें प्राप्त न हो, उसमें किसी प्रकार की रुकावट हो और रूढ़ी अर्थ अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है। यानी कि सीधा अर्थ हमें प्राप्त नहीं होने पर हम क्या करते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा जो अर्थ है वो लेते हैं। ठीक है, वहाँ लक्षणा सप्तशक्ति होती है। जैसे मोहन गधा है, मोहन क्या है, गधा है। यहाँ गधे का लक्ष्यार्थ मूर्ख है, अर्थात मोहन वैसे गधा नहीं है लेकिन उसके जो कार्य है वो कैसे हैं, गधे के समान है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि गधा है अर्थात वह तो क्या है, मूर्ख है। ठीक है, फिर देखिए लक्षणा सप्तशक्ति को निम्न चार्ट से हम क्या करेंगे, समझने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखो ये चार्ट है, आपको बहुत अच्छी तरह से अपने नोटबुक में क्या करना है, इसको लिखना है जिससे कि अच्छी तरह से आपके और समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर लक्षणा सप्तशक्ति के भेद हैं, किस प्रकार जो लक्षणा सप्तशक्ति है उसको क्या किया है मैंने चार्ट के माध्यम से आपके सामने रखने का जो कार्य है वो किया है। तो देखो विद्यार्थियों जो लक्षणा सप्तशक्ति है उसके प्रकार है कितने हैं, दो प्रकार हैं। पहली है आपकी रूढ़ी लक्षणा और दूसरी कौन सी है, आपकी प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, पता चल गया आपको लक्षणा सप्तशक्ति कितने प्रकार है, दो है, पहली है रूढ़ी लक्षणा और दूसरी कौन सी है, प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखो प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। वो देखिए आपके दो भाग कौन कौन से हैं, पहली है आपकी गौणी लक्षणा और दूसरी है आपकी शुद्धा लक्षणा। ठीक है, अब जो गौणी लक्षणा और जो शुद्धा लक्षणा है उसको भी क्या किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिए जो आपकी
गौणी लक्षण है उसको दो भागों में कौन कौन से बांटा गया है। पहली है आपकी सारूपा और साध्यवसाना, ठीक है। तो देखिए आपकी शुद्धा लक्षण है वो भी कितने भागों में बटी गई है, वो भी दो भागों में बटी गई है। तो वो देखो कौन कौन से आपकी उपादान लक्षण और कौन सी आपकी लक्षण लक्षणा, ठीक है। तो देखो उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा, तो यहाँ पर देखिए जो उपादान लक्षण है उसको भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी आपकी सारोपा और दूसरी कौन सी आपकी साध्यवसाना, ठीक है। और जो लक्षणा लक्षणा सब शक्ति है उसको भी क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया है, वो है आपकी सारोपा और साध्यवसाना। अर्थात तो यह नाम तो क्या है, दोनों के समान है, तो आपको चित्र से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो लक्षणा सब शक्ति है उसको क्या किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको पता रखना है कि दो भागों में बांटा गया है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। फिर अगर पूछे कि जो प्रयोजनवती लक्षणा है सब शक्ति है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, यह है थोड़ा कम पूछने का जो आधार है वो होता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें से यह पूछी जाती है कि जो आपकी लक्षणा सब शक्ति है उसको क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि सीधा अर्थ न प्राप्त होकर के उससे संबंधित क्या करते हैं, हम दूसरा अर्थ लेते हैं। किस प्रकार सब शक्तियों को क्या किया गया है, अलग अलग जो भाग है लक्षणा सब शक्ति को उसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। तो देखिए आगे आगे की अपने जो है लक्षणा सब शक्ति की भेद, तो देखो लक्षणा सब शक्ति के भेदों को हम क्या करेंगे, हमने जो सारणी है उसके माध्यम से देख लिया है, आगे हम इनको विस्तार पूर्वक देखेंगे कि कैसे जो लक्षणा सब शक्ति है उसके कितने भाग हैं। तो देखो लक्ष्यार्थ के आधार पर, इस आधार को लेकर लक्षणा के दो भेद हैं। पहले कौन सी थी, हमने पढ़ा था ना, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो पता चल गया आपको जो लक्ष्यार्थ के आधार पर जो सब लक्षणा सब शक्ति है उसको कितने भागों में बांटा गया, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहली है आपकी रूढ़ी लक्षणा और दूसरी कौन सी है आपकी प्रयोजनवती लक्षणा। तो देखिए विद्यार्थियों हम विस्तार से समझेंगे कि जो रूढ़ी लक्षणा है वो क्या होती है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि रूढ़ी लक्षणा को परिभाषित कीजिए, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के आपको इसको समझना है। तो देखिए जहाँ मुख्यार्थ में बांधा होने पर रूढ़ी के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है, ठीक है। जैसे पंजाब वीर है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, पंजाब क्या है, वीर है। क्या वाकई में पंजाब वीर है, अरे कोई राज्य वीर हो सकता है क्या, नहीं, बल्कि राज्य में रहने वाले जो निवासी हैं वो क्या होते हैं, वीर होते हैं। जैसे राजस्थान के जो लोग हैं, जो राजस्थान है वहाँ पर सूरवीर वगैरह है, पंजाब है वो वीर है। तो यहाँ पर देखो इस वाक्य में पंजाब का लक्ष्यार्थ है, अर्थात इस वाक्य में पंजाब का क्या है, लक्ष्यार्थ है। पंजाब के निवासी, अर्थात क्या है, पंजाब के निवासी, ना कि पंजाब, ठीक है। यह अर्थ रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया गया है, अर्थात यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो आपकी रूढ़ी लक्षणा है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे राजस्थान वीर है, राजस्थान क्या है, वीर है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ सकता है उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण आपको दे दिया जाएगा, जैसे पंजाब वीर है या राजस्थान वीर है, इसमें बताइए कि कौन सी शब्द शक्ति है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या है, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसी शब्द का सीधा अर्थ प्राप्त न होकर के क्या हो रहा है, उससे संबंधित अन्य अर्थ है वो लिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे पर जो प्रयुक्त वाक्य, प्रस्तुत वाक्य में राजस्थान का मुख्य अर्थ है राजस्थान राज्य, ठीक है। परंतु यहाँ इस अर्थ की बांधा है क्योंकि राजस्थान तो जड़ है, अर्थात जो राजस्थान है वो क्या है, जड़ है, वह वीर कैसे हो सकता है, ठीक है। इस स्थिति में इसका यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। राजस्थान के लोग क्या है, वीर हैं। राजस्थान के लोग क्या है बच्चों, वीर हैं। तो इस प्रकार आपको जो बात है वो चित्र से समझ में आ गई होगी। फिर बढ़ते हैं हम आगे, यह अर्थ आधार आधे संबंध की दृष्टि से लिया जाता है, जहाँ राजस्थान राज्य आधार है तथा राजस्थान के लोग आधे हैं, ठीक है। यह अर्थ ग्रहण करने में रूढ़ी कारण है, राजस्थान के लोगों को राजस्थान कहने की रूढ़ी है, ठीक है। अर्थात किस प्रकार राजस्थान के लोगों को हम क्या कह रहे हैं, राजस्थान कह रहे हैं, ठीक है। अतः एवं
यहाँ रूढ़ी लक्ष जो लक्षणा सर्वशक्ति मानी जाती है। अन्य उदाहरण देखिए, पंजाब शेर हैं, क्या पंजाब है वो शेर हो सकता है कि नहीं? वहाँ के रहने वाले जो निवासी है वो क्या है, शेर के समान साहसी हैं। यह तेल शीतकाल में उपयोगी है, अर्थात यह जो तेल है वो क्या है, शीतकाल में उपयोगी। तो किस प्रकार देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर इसका जो लक्ष्यार्थ है वो लिया गया है। फिर देखो अगला, मुंह पर ताला लगा लो। अब देखो मुंह पर ताला कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते, ठीक है, अर्थात मुंह को क्या कर लो, बंद कर लो, ठीक है। दृंग उर्जत टटत कुटुंब जुरत चतुर चित पीरती, अर्थात यहाँ पर देखो किस प्रकार से बताया गया है। आगे देखिए, प्रतगांठ दुर्जन हिये दही नहीं यह रीति, ठीक है। फिर देखो आगे, भाग ज्यों उमंगो उर आली उधे वयो है अनुरागा हमारों। फिर तो देखो किस प्रकार जो काव्य पंक्तियां हैं उनके माध्यम से भी आपसे जो बात है, अर्थात जो आपकी रूढ़ जो लक्षणा सब शक्ति है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, हमने जो लक्षणा सब शक्ति है उसका जो पहला जो भेद है, प्रकार है, रूढ़ लक्षणा सब शक्ति, वो हमने क्या कर लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है। अगला है अपना, इसका दूसरा जो भेद है वो है प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है। तो देखिए, प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसमें क्या होता है, इसमें मुख्यार्थ में बांधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है, ठीक है। जैसे मोहन गधा है, इस वाक्य में गधा का लक्ष्यार्थ मूर्ख से लिया गया है, किससे लिया गया है, मूर्ख से लिया गया है, और यह मोहन की मूर्खता को व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए गया है, ठीक है, लिया गया है। कि किस प्रकार यहाँ पर जो मोहन है और उसकी मूर्खता का जो प्रयोजन है उसको यहाँ पर क्या किया है, प्रकट किया गया है। तो हमें इस प्रकार के जो उदाहरण है वो दे करके पूछा जा सकता है, ठीक है। अतः यहाँ कौन सी सब शक्ति होगी, यहाँ पर जो प्रयोजनवती लक्षणा सब शक्ति है वो होती है, ठीक है। आगे देखिए, श्वेत दौड़ रहा है, ठीक है, श्वेत है वो दौड़ रहा है। तो किस प्रकार से देखिए, इसमें प्रस्तुत वाक्य में श्वेत का मुख्यार्थ सफ़ेद रंग बांधित है, क्या है, श्वेत यानी सफ़ेद, क्योंकि वह दौड़ कैसे सकता है, सफ़ेद है वो दौड़ सकता है कि बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकता। तथा इसका प्रस्तुत वाक्य में देखो किस प्रकार से जो अर्थ है वो लिया गया है, इसका लक्ष्यार्थ है यहाँ पर क्या है, इसका जो वाक्य है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उसमें लक्ष्यार्थ है, श्वेत रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। हमें कुछ न कुछ तो माध्यम इसके साथ जोड़ना होगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि सफ़ेद है, श्वेत है वो तो दौड़ नहीं सकता, इसलिए हमने क्या किया, घोड़ा वगैरह है वो यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अर्थात किसी घुड़ दौड़ प्रतियोगिता के दौरान यह वाक्य कहा गया है कि जो श्वेत है अर्थात घोड़ा है वो क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके दोनों के दोनों जो प्रकार हैं, रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति और जो आपकी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है उसका क्या किया है, अध्ययन किया है। इससे पहले हमने जो अविदा शब्द शक्ति है उसका क्या किया है, अध्ययन किया है, ठीक है। आगे हमारी जो शब्द शक्ति है उसका अध्ययन हम हमारे आगे वाली जो कक्षा है उसमें करेंगे। आशा करता हूँ कि दोनों की दोनों जो सब शक्ति हैं और किस प्रकार से अलग अलग जो आचार्य हुए हैं उन्होंने जो सब शक्ति है उसको अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से क्या किया है, प्रकट करने का, आपके सामने परिभाषित करने का जो कार्य है वो किया है, और आपके अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है वह आप अपने नोटबुक में क्या करेंगे, लिखने का कार्य करेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए, ठीक है। हम आगे आने वाली जो अपनी कक्षा है उसमें जो आगे के इसके जो पाठ वगैरह हैं उनका क्या करवाएंगे, आपको अध्ययन करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।